जिया की मम्मी का कॉल आया था और बहुत ज्यादा गुस्सा थी और कह रही थी कि इस बार नहीं आई तो तुम अब दोबारा मैके कभी नहीं आना। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फिलहाल जिया यहाँ बैठी हुई और इंतजार कर रही है कि कब हम वहां से ऊपर से ट्रॉली निकाल करके दे देंगे। और ट्रॉली निकालने का जिया काम रहता है जी, थोड़ा सा जो है क्या कहे, ऐसा काम होता है कि नहीं चाहते हैं कि उस चीज को करे, लेकिन हर चीज हर बार करना ही पड़ता है क्योंकि ट्रॉली का ट्रॉली रहता है इतना हैवी वेट। हैवी नहीं है वो, खाली है, खाली ट्रॉली उतारना है आपको। अच्छा खाली ट्रॉली है, चलिए खाली ट्रॉली है तब तो चलिए ठीक बात है जी। बाकी कई बार जो हैवी ट्रॉली इतना बड़ा बड़ा जो वहां से उतारना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जिया को आज ही मायका निकलना था लेकिन जिया आज जो है किसी कारणवश जो है मायके नहीं निकल पाई और जिया जो है अब निकलेगी कल सुबह। निकलना है कल सुबह और समय हो चुका है अभी के 6:40, तो समय भी काफी कम है। तो जल्दी से जो है इसको अपना पैकिंग सब भी करना है तो अपना पैकिंग सब कर लेगी। तो मार्केट सब आप छोड़ दो, मार्केट अब कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मेरा चार्जर जो है खो गया है। तो चार्जर कोई वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पास। तब जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारा रिया के मोबाइल से चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब तो सी टाइप भी इसमें लग जाता है। दिन भर लगाए रखो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम लोग और फिलहाल क्रियांश जब तक नीचे है उस चीज का फायदा उठाया जाए क्योंकि क्रियांश जब आ जाएगा तो जो काम हम लोगों का एक घंटा में होता है वह काम में दो घंटा आराम से लगेगा। तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी कर लिया जाए काम को। यहाँ पे उतर गया क्रियांश का ट्रॉली। हम इनको बोल रहे की छोटा वाला ट्रॉली उतार, ये इतना बड़का ट्रॉली उतार दिया लगता है कितना कपड़ा ले। किसी को संदेश संदेश मिले तो लाने में दिक्कत नहीं है इसलिए भर के। और ये ट्रॉली भी है क्रियांश का, ये छोटा वाला ट्रॉली क्रियांश का ही है, इसका भी बड़ा सा ट्रॉली उतार रहे थे। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, भर भर के सब चीज। क्रियांश का जितना कपड़ा ले सकते, मेरा तो ठीक है कि इसमें प्रमोशन का बहुत सारा कपड़ा रहेगा क्योंकि क्रियांश का जितना कपड़ा ले जाए उतना कपड़ा कम है, ठीक है। वो तो बात सही है, इसीलिए हम दोबारा ट्रॉली में भर लेते हैं उसका कपड़ा। नहीं नहीं ठीक है, ये सब जो उतार के छोड़ दिए आप ये तो रख दीजिए। हाथ में देना है। बाप रे कितना भारी चीज है जो हाथ में देंगे, और बाप रे लीजिए इतना भारी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सारा कपड़ा सब निकाला जा रहा है पैकिंग करने के लिए, कुछ भी सामान भूलना नहीं वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम जो जाएगी और हम जो छोड़ करके आएंगे हफ्ता भर से पहले तो शायद ही आएंगे, तो इसलिए जो है कोई यहाँ से पहुँचाने वाला नहीं रहेगा। ये देखिए सारा कोलैबोरेशन का है, तो जितना कोलैबोरेशन का सारा निपटा हो। नाइट ड्रेस है, ये भी एक कोट सेट है, ये कुर्ती है, और एक ये कुर्ती है, ये साड़ी है, बाकी उधर है, पता नहीं इतना हम कैसे कर पाएंगे वहाँ। अपना निपटाना है, देखते हैं ले जाते हैं, हम सोच रहे हैं ले जाते हैं जितना पॉसिबल हो पाएगा कर लेना क्योंकि सभी का तो मैसेज भी आने लगेगा फिर। वही बाकी रह गया, बस सब परेशान। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे उसका कर लेंगे, बाकी यहाँ के करेंगे हम क्योंकि वहाँ पे शूट करने के लिए एक परफेक्ट चाहिए आदमी। अच्छा वो परफेक्ट आदमी नहीं है, वो परफेक्ट आदमी है। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से तुम निपटाओ। और भी इधर देखिए, और भी है, भाई सब तो भूल ही गए। और सब भी है ना, अरे इधर है, ये है, बहुत सारा है और उस रूम में भी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये जान के सोच रहे भले ले जाए, यहाँ पे जो है ना हमको सारा काम सब वही निपटा लो। अच्छा है कि हम यहाँ फ्री रहेंगे, तो नहीं तो काम भी करना, एंजॉय भी करना, कोई दिक्कत नहीं। भर भर के जान के दे रहे कि सब लेके जाए, इसीलिए हम सब इतना बड़ा ट्रॉली जो उतारे हैं जल्दी, इसीलिए ताकि जो है कि सारा और यहाँ भी रखा हुआ है, इधर भी प्रमोशन वाला ही है सब। उसमें जो है सारा जाओ तुम निपटाओ अपना, फिर सारा प्रमोशन का फिर आराम से रुक करके आना, निपटा के ही आना, ठीक है। अब आ जाओ, हो गया। नहीं नहीं काम सब निपटाएगी तब बोल देना कि हाँ मेरा सारा काम निपट गया, तब बुला लेंगे तुमको, ठीक है। अगर काम नहीं निपटाओगे तो तुरंत लेते आएंगे। नहीं 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 तुरंत भी नहीं लाएंगे, जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा सारा कुछ पैक हो गया, थोड़ा बहुत बचा है तो वो रात में जब क्रियांश सो जाएगा तो कर लूंगी। अभी चलते हैं मार्केट। पतिदेव ले रहे हैं स्लीपर अपना, टूट गया इनका स्लीपर। इस तरह का हवाई चप्पल ही इस बार ले रहे हैं, बात स्लीपर होता है फैंसी टाइप का, ज्यादा दिन टिकता नहीं है, महीना दो महीना में बस चला जाता है वो। इस टाइप का ले रहे हैं, ठीक है ठीक है। भैया आपका पैर देख के साइज समझे। मार्केट में हमको लेना था आटा तो ले लिया, और आज हम पिए फालूदा, बहुत दिनों बाद फालूदा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो सोचे पी लेते हैं, और अब चलते हैं घर। इधर है फालूदा का शॉप। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग क्रियांश, राधे राधे बोलो, राधे राधे पूछी दे दो, क्या पूछी दे दो, ये कैमरे में नहीं देता, नहीं तो उठते ही सबसे पहले पूछी देता है मम्मा को। राधे राधे, राधे राधे, बीतो
शर्म आ रही इसको, रियाज को सोचे थे आज नहीं उठाएंगे और ये उठ गया जल्दी। चल गाड़ी पास चलते हैं, बाय कर दो बाय। अभी बज गया जी 9:15 और इस समय जो है कोई भी लोग अभी तक तैयार भी नहीं हुए। हम लोग को निकलना था, प्लानिंग था 7 बजे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2.25 घंटा ऑलरेडी लेट है, तो अब जो है जल्दी जल्दी करते हैं और सभी लोग निकलते हैं। तुम्हारा क्या आवाज है, तुम क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक? पहले पूजा कर लेंगे आराम से, तब तामझाम वाला। पूजा करने के बाद करेगी? कपड़ा सब तो सारा पैक है, सब कुछ पैक, बस खाली कपड़ा पहन के निकलना है हम लोग को। ठीक है, प्रियांश को नहा दे, इतना सवेरे सवेरे। ठीक है, नहा देते हैं। तो फाइनली हमारा पूजा भी हो गया और अभी गया है क्रियांश नहाने के लिए, तो क्रियांश का ड्रेस निकाल देती हूँ। तो आज जो क्रियांश ड्रेस पहनने वाला ना, ये टी शर्ट और ये हाफ पेंट, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना, बट इसका कलर ही ऐसा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा था सामने से तो हमने ले लिया। और लास्ट टाइम जब क्रियांश का ड्रेस आया हुआ था, जब इसके पापा मंगाए हुए थे ड्रेस, तो दिखाया था मैंने, तो आप में से बहुत लोगों का कमेंट था कि ये ड्रेस कहाँ से लिए हैं आप, मतलब कहाँ से लेते हो। तो मैं बता दूं कि ये सारा ड्रेस जो भी क्रियांश पहनता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइस से लेते हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना सबसे अच्छा कपड़ा मुझे फर्स्ट प्राइस का ही लगता है। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट ये होता है कि ना बच्चे के कपड़े तुरंत डल पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, फर्स्ट प्राइस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट प्राइस का कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपना कूपन कोड डाल दूंगी, अगर आप मेरा कूपन कोड लगा के लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। निकलो भैया, चलो ना, आप कितने आओगे? जाना नहीं है, बस वो इतना ठंडा पानी है उसमें भी नहाना है। चलो चलो प्रियांश, चलो निकालिए पकड़ लीजिए, तो बाल्टी के साथ ही भेज दे क्या? चलो चलो प्रियांश उठो। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, क्रियांश को भी रेडी कर दिया मैंने, पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं, के बाद मैं रेडी हो रही हूँ। और मैं जो अभी लगा रही हूँ ना, ये फ्लिका का टमाटो फाउंडेशन है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा होता है, और इसका दाम भी बहुत कम है, 249 के करीब है, लेकिन डिस्काउंट में, अभी डिस्काउंट चल रहा था तो हमने ले लिया, बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना कम लिया है मैंने, देख रहे हो ना बहुत कम है, और इसका देखिएगा कितना अच्छा होता है, कम में ही पूरा अच्छे से हो जाएगा। आजकल मैं सोच ही आ रही हूँ ना कि जैसे मैं कुछ यूज करती हूँ, जैसे क्रियांश का ही कपड़ा हो गया या फिर कुछ मंगाती हूँ, आप में से कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि ये सूट मैंने उस दिन पहना था, तो आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कहाँ से लिया कहाँ से लिया, तो मैं बता दिया करूंगी ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, जिनको लेने का मन हो ले ले। तो ये देख सकते हैं, एक तो कितना अच्छे से लग गया, उसके बाद एकदम वो अजीब सा नहीं लगता है कि एकदम फैला फैला सा ओवर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा होता है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और इसका मैंने जो है ना कॉम्पैक्ट भी मंगवाया हुआ है, ये देखिए इसका भी दाम बहुत कम है, 199 के करीब था और डिस्काउंट में कुछ मुझे कम मिल गया था। इसको भी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा है, एक से दो बार में पूरा कवर हो गया, लाइटिंग की वजह से उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लाइटिंग कम है, बाकी आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, कहीं भी ओवर लग रहा है नहीं ना। और इसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। अगर आप लोग भी ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लेना चाहते हैं तो मेरी स्टोरी में जाइएगा, मैं स्टोरी में लगा दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। अभी तो नहीं लगाया मैंने, बट मैं लगा दूंगी, आप लोग देखते रहना। लाइनर भी लग गया, बस अब लिपस्टिक लगाना है, मैं हो गई रेडी। तो मिलते हैं पूरा मेकअप करके, पूरा मेकअप मतलब बिंदी और लिपस्टिक, तो सब कुछ हो गया, बस बचा हुआ है मेकअप स्प्रे, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। तो अगर आपको लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, मैं स्टोरी में जाकर के स्टोरी में मैं डाल दूंगी, या फिर एक सूट भी किया मैंने मेकअप वीडियो, आपको इंस्टा के यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक, यूट्यूब के शॉर्ट्स में लिंक पे जाओगे आप तो लिंक पे मिल जाएगा। और मैं आज आपको एक चीज दिखाती हूँ जो कि मेरा फेवरेट गोल्ड में, आप में से बहुत लोग कहते हैं जिया दीदी आप गोल्ड में करते हो, गोल्ड मुझे उतना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है मेरे पास है, बट मुझे उतना पसंद नहीं। ये देखिए ये वाला इयररिंग अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट है, ये हमारी सासू माँ ने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो उस टाइम दिया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बहुत ज्यादा, और जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं यही पहनती हूँ। इत्तेफाक की बात क्या है ना कि इससे पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी बुआ के पास सेम इयररिंग था, तो हमने बोला था कि ऐसा इयररिंग मेरी जब दादी थी तो उस टाइम दादी बोली थी कि जिया को ऐसा बना के देंगे,
जब भी होगा तो जिया को कभी बना के ऐसा देंगे। और जब मैं यहाँ आई तो फिर ऐसा ही मुझे सेम मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिलहाल जी हम हो गए हैं तैयार और जिया भी हो गई है तैयार। तो क्रियांश को तो सबसे पहले तैयार किया जा चुका है, वो अपने दादा दादी के पास है। तो फिलहाल जो है जल्दी से आप सारा सामान सब जो है एक जगह इकट्ठा करते हैं और नीचे ले चलते हैं गाड़ी के पास, और गाड़ी में जो है सामान रखते हैं। अरे मम्मी का कॉल आया था, इतना गुस्सा करे, तुम आती कहाँ है, नहीं अगर अभी नहीं आई ना तो तुम कभी मत आना। तो जिया की मम्मी का कॉल आया था और बहुत ज्यादा गुस्सा थी और कह रही थी कि इस बार नहीं आई तो तुम अब दोबारा मैके कभी नहीं आना। तो इस तरह करके हो गया, क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से क्या हो रहा है कि कह रहे आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जा रहा है कि जिसकी वजह से जो है हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें था ना कि जो भी काम है सारा काम निपटा के जाए, ताकि आराम से 5-7 दिन रहे आराम से। बिल्कुल, कि कुछ भी काम यहाँ पर पेंडिंग नहीं रहे, कि वहाँ पहुंचे और मालूम चले कि कुछ काम छूट गया यहाँ पर। सारा मेरा जितना भी पार्सल वगैरह आना था सब कुछ आ गया, और सारा काम जो भी हमको करना था कर लिए, अब जाएंगे, अब जो छुट्टा बड़ा है तो आगे करेंगे, तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है सारा सामान सबसे जल्दी से इकट्ठा कर। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, मैं देखती हूँ कभी कभी जब मैं दिखाती हूँ मैं ये पहन रही हूँ, मैं मेरा ये पार्सल आया है, तो आप से बहुत लोगों का रहता है कि आप करते क्या हो इतने चीजों का, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ। तो जिया का देख सकते हैं जी, यहाँ पूरा थैला जो है बिल्कुल पैक है, और इस थैले में जो है ढेर सारा कपड़ा है। बोली से पहले ऐसा मैं दो थैला दान की थी। हाँ बिल्कुल जी, तो होता क्या जी, जिया को कोलैबोरेशन में जितना भी कपड़ा सब आता है, आप में से बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा होता है कि इतना सारा पार्सल आता है, बहुत सारा पार्सल आता है, आप इतना सारा सामान का क्या करते हैं, आप घर में तो जगह भी नहीं रहता होगा। हाँ, तो मैं लोगों को जो जरूरतमंद है उनको दे देती हूँ, ताकि मेरे पास तो रखा रहेगा, वो पहनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा है जी, किसी जरूरतमंद के पास जो है यहाँ सारा सामान सब पहुँचा। मैं उधर रखी हूँ, इसमें बहुत सारे कपड़े हैं उधर भी रखा हुआ, तो दोनों को लेकर के चलिए नीचे। अच्छा चलो चलते हैं लेकर के, ठीक है।